यूपी के कासगंज शहर कोतवाली क्षेत्र में मथुरा बरेली हाईवे पर मामो स्थित जनपद न्यायालय परिसर में एक महिला अधिवक्ता से दूसरी अधिवक्ता पक्ष द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने दूसरे पक्ष के दो अधिवक्ताओं समेत सात नामजदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। शहर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में अधिवक्ता योगिता सक्सेना पुत्री विशन कुमार सक्सेना निवासी मोहल्ला जय जयराम कासगंज ने बताया है कि वह अधिवक्ता है। गत गुरुवार की दोपहर करीब 3:15 बजे पारुल सक्सेना बनाम किशोर कुमार बोस के मामले में पैरवी को गई थी। इसी दौरान उसे कोर्ट परिसर में किशोर कुमार बोस, तारकनाथ खोखन बोस, राहुल बोस, अनीमा बोस एजेंसी के सामने बहजोई रोड चंदौसी संभल अधिवक्ता शुभम कुमार सुनीता कौशिक ने घेर लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर शुभम कुमार व किशोर कुमार ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। सुनीता कौशिक अनीमा बोस ने उसे घसीटते हुए लात घूंसे से मारा पीटा। चीख पुकार पर जुटे पुलिस कर्मियों व अन्य लोगों ने उसे बचाया। मारपीट में उसके चेहरे व शरीर के अन्य भाग पर भी चोट आई है। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504 और 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। अरे बीच बचाओ कर दो। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण समदड़िया